सो ताज़ा खबर इज़ अ वेरी बेसिक स्टोरी अबाउट एन इंडिविजुअल जिसके पास कोई पावर है एंड कैसे वो उस पावर को यूज़ करके अपने करियर में, अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है एंड हाउ हिज सक्सेस ब्रिंग्स अबाउट हिज ईगो। बट स्टोरी का सिंपल या बेसिक होना इज़ नॉट अ बैड थिंग, स्पेशली ताज़ा खबर के केस में, बिकॉज इट्स डेफिनेटली वेरी फन टू वॉच। टू थाउजेंड फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन के टाइम पे जितने भी लोगों ने यूट्यूब शुरू किया था, स्पेशली स्केच कॉमेडी के जॉनर में, उन सबका एक कहीं ना कहीं ड्रीम था कि वो एक दिन बॉलीवुड मूवीज में काम करें। अ लॉट ऑफ यूट्यूबर्स एक्चुअली हैव बीन इन बॉलीवुड मूवीज एंड अ लॉट आर स्टिल ट्राइंग। कुछ यूट्यूबर्स को समझ आ गया कि उनकी जो ऑडियंस है, इट्स देयर स्ट्रेंथ, एंड कमर्शियल मूवीज में यूट्यूबर्स को लेके सिर्फ उनका मिसयूज किया जाता है और उनकी ऑडियंस को अपने पास लाया जाता है। कुछ यूट्यूबर्स को जब से ये बात समझ आई है, दे आर डूइंग देयर ओन थिंग, दे आर मेकिंग देयर ओन स्टफ, मूवी लेवल स्टफ, व्हाइल अदर्स आर स्टिल ट्राइंग टू सक रोहित शेट्टीज डिक। भुवन बाम फॉर मी पर्सनली एंड फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इज अ हाईली रिस्पेक्टेड इंडिविजुअल, बिकॉज इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू गेट इन बॉलीवुड मूवीज, ही इज प्लेइंग द गेम इन हिज ओन लीग एंड ही इज पुशिंग द बाउंड्रीज सिंस ढिंडोरा। एंड ताजा खबर इज डेफिनेटली अ स्टेप अप फॉर भुवन बाम। जैसा कि मैंने बताया, ताज़ा खबर ऑन पेपर इज एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बट अ वेरी सिंपल वन एज वेल, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं कुछ मूवीज में। बट इस शो का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इस शो की एक्टिंग परफॉर्मेंसेस, स्पेशली भुवन बाम की। द डिमीनर ऑफ अ लोअर क्लास हार्ड वर्किंग गाय एंड द डिमीनर ऑफ अ रिच नार्सिसिस्ट बोथ आर एक्सट्रीमली वेल प्लेड बाय भुवन बाम। श्रेया पिलगांवकर, जे डी चक्रवर्ती एंड शिल्पा शुक्ला आर अ ग्रेट सपोर्टिंग कास्ट एंड डेफिनेटली ब्रिंग एन एलिमेंट ऑफ इंटेंसिटी टू द शो। इससे पहले जो बीबी का शो आया था ढिंडोरा, उसको हम बीबी की वाइंस की ही एक एक्सटेंशन मान सकते हैं, बीबी के वाइंस के ही मल्टीवर्स का वेरिएंट समझ लो। बट ताज़ा खबर इज अ थिंग ऑफ इट्स ओन। इसका राइटिंग स्टाइल, इसका ह्यूमर, इसकी परफॉर्मेंस, सब कुछ बीबी की वाइंस और ढिंडोरा से काफी अलग है, विच इज अ गुड थिंग, क्योंकि हम फाइनली भुवन बाम को अपनी एक्टिंग मसल्स फ्लेक्स करते हुए देख सकते हैं। बट ये शो सिर्फ 6 एपिसोड्स का है। आई कांट से कि वसंत की ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ हम्बल गाय टू एन ईगोमेनियक इज अननेचुरल, बट अगर शो लंबा होता, मे बी 8 एपिसोड्स होते और हम बीबी को बेटिंग के अलावा और भी कुछ चीज़ें करते हुए देखते, फिर उसका जो नार्सिसिज्म आता, इट वुड हैव बीन मच बेटर। आई एम नॉट सेइंग इट्स बैड राइट नाउ, बट इट नीडेड सम मोर टाइम टू ब्रीथ इन द स्टोरी। इस शो में एक मेजर प्लॉट होल है। वी सी कि वसंत के फोन में एक सुपर पावर है जिससे उसे फ्यूचर की न्यूज पहले मिल जाती है। इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता कि ये पावर उसके पास कैसे आई, इसके पीछे लॉजिक नहीं है, विच इज परफेक्टली फाइन। पर इस शो में एक लाइन आती है, जो होने वाला है वो तो होगा ही, खाली अपने को ये दिखाने का है कि जो हुआ है अपनी वजह से हुआ है। इनिशियली हमें यही परसीव होता है कि वसंत कैन नॉट चेंज द फ्यूचर, एंड ये चीज पूरे शो में कंसिस्टेंट रहती है। वसंत देखता है न्यूज में कि एक सुनार की दुकान पे 50,000 में मिला हुआ मटका एक्चुअली 9 लाख का था, तो वो उस दुकान पे जाते हैं मटका खरीदने, बट दे एंड अप डैमेजिंग इट। तो हमें ऐसा देखने को मिलता है दैट जब वो डैमेज हो गया तो उसकी प्राइस गिर गई, एंड जब उसकी प्राइस गिर गई, एक फॉरेनर ने 50,000 में वो खरीद लिया। इनडायरेक्टली वसंत कॉज दैट, द डिस्कवरी कि वो मटका एक्चुअली सोने का है वॉज बिकॉज वसंत वेंट देयर एंड ब्रोक इट। या अगर हम एंडिंग की बात करें तो वसंत अपने फोन में देखता है कि शेट्टी और मधु का एक MMS लीक हुआ है, एंड फिर वो मधु की बेइज्जती करना शुरू कर देता है। पर वो मधु की बेइज्जती इसलिए करता है क्योंकि मधु उस पर चीट करने वाली है, पर मधु शेट्टी के पास जाती ही इसलिए है क्योंकि वसंत ने उसकी इंसल्ट करी है। बेसिकली द फ्यूचर विल हैपन एंड समटाइम्स वसंत विल कॉज इट टू हैपन, एक्सेप्ट जब वसंत मधु को बताता है कि वो एक्ट्रेस सुसाइड करने वाली थी एंड वसंत सेव्ड हर लाइफ एंड देन द एक्ट्रेस एक्चुअली सर्वाइव्स। आई वोंट से कि इस इनकंसिस्टेंसी की वजह से शो बर्बाद हो गया, बट एज अ वेरी बिग फैन ऑफ टाइम ट्रैवल एंड पैराडॉक्सेस, इट बग्स मी, इट मेक्स मी ओवर थिंक एवरीथिंग। आई रियली लव द एंडिंग ऑफ द शो। जो भी अंडरडॉग स्टोरीज होती हैं उनमें एक पैटर्न होता है कि पहले एक अंडरडॉग होगा, उसका राइज होगा, फिर उसमें ईगो आएगी, फिर उसका फॉल हो जाएगा। इट्स वेरी क्लीशेड, काफ़ी बार देखा है। सो आई एम ग्लैड ताज़ा खबर अवॉइडेड दैट एंडिंग कि एंड में वो आया, उसका सब बर्बाद हो चुका है एंड वो यू नो उदास होकर आके बैठ गया एंड ही हम्बल अगेन। आई एम रियली ग्लैड दैट ताज़ा खबर अवॉइडेड दैट। एंड जो एंड का सीन आता है, इट्स प्रिटी डोप।
वसंत की स्टोरी इज एक्चुअली प्रिटी गुड टू वॉच एंड अकॉर्डिंग टू मी द एंडिंग इज रियली गुड. ओवरऑल आई वुड से इट्स एन एवरेज स्टोरी बट इट्स अ गुड शो.